हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी स्टूडेंट ठीक होंगे। तो मैं विवेक आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके ने परिवार कॉलेज अपडेट्स में। तो देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे पॉलिटिकल साइंस फिफ्थ सेमेस्टर बीए प्रोग्राम के जो आपका सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस, जिसका नाम है एडमिनिस्ट्रेशन एंड पब्लिक पॉलिसी कंसेप्ट्स एंड थ्योरीज। तो इसका आज हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और पैटर्न भी आज जानेंगे। और आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है बीए प्रोग्राम के जितने भी ऐसे स्टूडेंट जिनके आप पॉलिटिकल साइंस एक सब्जेक्ट के रूप में है। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और हमारे टेलीग्राम चैनल भी जरूर ज्वाइन कर ले, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे चुका हूँ। तो आप सभी को मैं बताना चाहूँगा, आज की जो वीडियो होने वाली है मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझाऊँगा, वो भी दो क्वेश्चन पेपर के माध्यम से, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वो क्वेश्चंस होते हैं जो रिपीट होते हैं, ठीक है। तो अगर आप इनकी तैयारी कर लोगे तो कहने का एग्ज़ाम में पासिंग स्कोर तो कर ही लोगे, ठीक है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और हमारे टेलीग्राम चैनल भी जरूर ज्वाइन कर ले, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे चुका हूँ। तो स्टार्ट करते हैं, तो ज़रा देख लेते हैं किस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। पहला जो क्वेश्चन रहेगा इसमें पॉलिटिकल साइंस में आपका बीए प्रोग्राम में, वो लोक प्रशासन के ऊपर आपसे पूछेगा। जैसे लोक प्रशासन के अर्थ एवं विषय क्षेत्र की विवेचना कीजिए, लोक प्रशासन निजी प्रशासन से किस प्रकार भिन्न है, मतलब कि पहला जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा वो लोक प्रशासन के ऊपर पूछा जाएगा। दूसरे के अंदर आपसे पूछेगा एक विषय के रूप में लोक प्रशासन के विकास के विभिन्न चरणों का परीक्षण कीजिए, ठीक है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा वो है मानव संबंध सिद्धांत, यानी एक थ्योरी आपसे पूछी जाएगी, व्हाट इज अ ह्यूमन रिलेशन थ्योरी, यह किस प्रकार वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत पर सुधार है। देखिए, ये एक क्वेश्चन पेपर है, दूसरा क्वेश्चन पेपर भी मैं दिखाऊंगा। इन दोनों क्वेश्चन पेपर में एक साल का गैप है, आप देख लेना कितने क्वेश्चन आपको रिपीट्स में मिलेंगे, ये सारे इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बता रहा हूँ। चौथा क्वेश्चन है हर्बर्ट साइमन के निर्णय निर्माण सिद्धांत की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए। पाँचवा है विकास प्रशासन के प्रमुख तत्वों और इसके महत्व का वर्णन कीजिए। छठा है लोक नीति क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लोक नीति तो करना ही करना है आपको, ये आएगा ही आएगा 100%, ठीक है। लोक नीति क्या है, लोक नीति के विभिन्न रूप क्या है। सातवां लोक नीति के क्रियान्वयन पर एक निबंध लिखिए, मतलब लोक नीति ही याद कर लो, निबंध ये तो घुमाने वाला क्वेश्चन है, क्रियान्वयन नीति क्या है, तो एक कर लोगे तो दोनों ही आप कर लोगे आराम से, ठीक है। आठवें में आपसे टिप्पणी पूछेगा लोक प्रशासन की महत्ता, फिर आपसे लोक प्रशासन के शास्त्रीय सिद्धांत की मुख्य विशेषता, विकास प्रशासन में जन सहभागिता, नीति निर्माण में नौकरशाही की भूमिका। तो ये तो आपका एक क्वेश्चन पेपर, आप दूसरा क्वेश्चन पेपर मैं आपको दिखाता हूँ, आप ध्यान से देखना, इसमें भी वही सेम क्वेश्चन इसमें अभी आपसे पूछे गए हैं। देखिए, पहली क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया, लोक प्रशासन, देख लीजिए अगर, यानी लोक प्रशासन करना ही करना है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में देखने को मिलेगा आपको, वो मिलेगा एल्टन मेयो का सिद्धांत की चर्चा, इन्होंने थ्योरी दी है इनकी, याद कर लेना आप, मानव थ्योरी पूछी गई थी बट इसमें थ्योरी दी गई है। फिर टेलर का वैज्ञानिक प्रबंध का सिद्धांत, ये कर लेना आप। फिर इसके बाद देखिए प्रशासनिक सिद्धांत, वो आ गया ना दोबारा, मैं कह रहा हूँ वो ही क्वेश्चन आपसे रिपीट होते हैं, इसमें कोई नया क्वेश्चन नहीं आता। विकास प्रशासन को परिभाषित कीजिए, उसके विभिन्न तत्वों की व्याख्या कीजिए, इंपॉर्टेंट नोट कर लीजिए। उसके बाद देखिए हर्बर्ट साइमन का आ गया आपके सामने है, मैं नहीं बताया आपके सामने, हर्बर्ट वाला पहले भी हमने देखा था, ठीक है। उसके बाद लोक नीति आ गया, लोक नीति तो साथ में भी आपको मिलना ही मिलना है। फिर आपका शास्त्रीय सिद्धांत, लोक प्रशासन, तुलनात्मक दृष्टिकोण, लोक एवं निजी प्रशासन, नीतिक कार्यान्वयन चुनौती, तो सारा पेपर वही है आपका। ये है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इनकी तैयारी कर लो, आपका बीए प्रोग्राम फिफ्थ सेमेस्टर का जो पेपर है वो काफ़ी अच्छा निकल जाएगा, पास हो जाओगे। तो वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो थैंक यू।